सभी भक्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोरोना का यह समय चल रहा है और कोरोना के समय में सभी तरफ जो है निराशा व्याप्त है, और ऐसे निराशा के समय में हमको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह समय भी हमारे जीवन में हमेशा रहने वाला नहीं है। सुख भी हमारे जीवन से आकर के चला जाता है और दुख भी हमारे जीवन में आकर के चला जाता है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों हैं मेहमान, और दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। सुख भी आए तो उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए और दुख भी आए तो उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है, हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है, और सुख में भी मज़ा है और दुख में भी मज़ा है। दोनों का आनंद लेना चाहिए, सुख का भी आनंद लेना चाहिए और दुख का भी आनंद लेना चाहिए। एक राजा थे तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, मुझे ऐसी वस्तु तुम बना करके दो जिसको देखूं तो मैं सुख में रहूं तो मुझे दुख हो जाए और दुख में रहूं तो मेरे जीवन में सुख हो जाए। थोड़े दिन के बाद में मंत्री राजा को एक अंगूठी बना करके दिया। राजा उस अंगूठी को धारण किया और थोड़े दिन के बाद में राजा के यहाँ संतान का जन्म हुआ। खुशी का समय आया, आनंद का समय आया। राजा को खुश होना था, प्रसन्न होना था, आनंदित होना था। राजा खुश थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे, और जैसे ही अंगूठी को देखे राजा के मन में निराशा व्याप्त हो गई। राजा रोने लगे, रानी को समझ में नहीं आया खुशी के समय में राजा रो क्यों रहे। धीरे 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 समय बीता। एक साल के बाद में राजा के पिता की मृत्यु हो गई, और राजा के पिता की जब मृत्यु हुई तो रोने का समय था। राजा रो रहे थे, पर जैसे ही अंगूठी को दिए राजा हंसने लगे, राजा मुस्कुराने लगे। रानी को समझ में नहीं आया कि राजा रोने के समय में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रानी राजा से कहने लगी, महाराज जब संतान का जन्म हुआ था खुशी का समय था, आनंद का समय था, तो आप रोने लगे, और आज आपके पिता की मृत्यु हुई है, दुख का समय है, रोने का समय है, आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों? तब राजा जो है अपनी अंगूठी रानी को दिखाए, और रानी जो है अंगूठी को देखी। राजा ने कहा, रानी ये अंगूठी में जो शब्द है उन्हें पढ़ो, और रानी जो है अंगूठी में लिखे शब्द को पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था यह समय भी चला जाएगा। राजा समझाने लगे, रानी मेरे जीवन में जब संतान हुआ खुशी का समय था, और जैसे ही मैं इस अंगूठी को देखा मैं समझ गया कि मेरे जीवन से एक खुशी का समय भी चला जाएगा, इसलिए मैं रोने लगा, और आज मेरे जीवन में रोने का समय है, मेरे पिता की मृत्यु हुई है, पर जैसे ही मैं अंगूठी को देखा मैं समझ गया कि मेरे जीवन से ये दुख का समय भी चला जाएगा, इसलिए मैं हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। हमारे जीवन में भी यही होता है, हमारे जीवन से खुशी का समय भी चला जाता है और हमारे जीवन से दुख का समय भी चला जाता है। इसलिए खुशी का समय आए तो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख का समय आए तो ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। ये कोरोना काल भी हमारे जीवन से व्यतीत हो जाएगा, एक दिन फिर आनंद आएगा, एक दिन फिर खुशी आएगी, फिर हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी कृपा से सब सही हो जाएगा। इसलिए अपने मन में हम जरा भी निराशा ना लाएं, अपने कर्तव्य को निभाएं, अपना कर्म करें, और जो सावधानी है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन करें, तो एक दिन ये कोरोना हमारे जीवन से ज़रूर चला जाएगा, हमारे जीवन में फिर से आनंद आएगा। जय श्री राम।